इंजन ऑयल का क्या कैपेसिटी होता है, इंजन ऑयल क्या ग्रेड देना चाहिए, इंजन ऑयल कितना रहता है, इंजन ऑयल कितना घंटा के बाद बाद चेंज करना चाहिए। और खोल के एक चीज देखा देते आप लोग, और इसमें बेसिक कुछ जानकारी देंगे को यार फिल्टर क्लीन करना होता है, बॉक्स निकल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प एम के। आज आप लोग को दिखाएंगे ये जो हुंडा जनरेटर है, ये पोर्टेबल जनरेटर है और मॉडल है EP1000। इस जनरेटर का इंजन ऑयल चेंज करके दिखाएंगे, इसमें इंजन ऑयल कैसे चेंज करता है, इंजन ऑयल का क्या कैपेसिटी होता है, इसमें इंजन ऑयल क्या ग्रेड देना चाहिए, इसमें इंजन ऑयल कितना रहता है और इंजन ऑयल कितना घंटा के बाद बाद चेंज करना चाहिए, इस वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। और इंजन ऑयल का क्या प्राइस है, खर्चा कितना आएगा बताएंगे, और इसमें बेसिक कुछ जानकारी देंगे जहाँ पर आप लोग को यार फिल्टर क्लीन करना होता है, कहाँ पर रहता है, कब क्लीन करना चाहिए यार फिल्टर को। तो चलिए सबसे पहले इंजन ऑयल चेंज करना आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले इंजन ऑयल डेन कर लेना होगा, डाउन कर लेना होगा। यहाँ पर फिलर गेज रहता है, देखिए इधर ये है फिलर गेज, इधर इंजन ऑयल डाला जाता है और नीचे ठीक नीचे इसका इंजन ऑयल डेन बोल्ट है, देखिए दिखा देते हैं, ये है इंजन ऑयल डेन बोल्ट। इस बोल्ट को खोल लेना होगा, इसका जो साइज है 10 नंबर सॉकेट से खोल जाएगा, जिसको हम लोग 10 नंबर गुटी बोलते हैं, गुटी से ये खोल जाएगा। देखिए ऑयल फिलर गेज जहाँ रहता है ठीक उसका नीचे ये 10 नंबर ड्रेन बोल्ट है, इसको खोल लेना होगा तो पूरा इंजन ऑयल निकल जाएगा। तो आप लोगों को हम इंजन ऑयल पूरा निकल के दिखा देते हैं, पहले इस बोल्ट को खोल लेते हैं। तो देखिए बोल्ट को ढीला कर लिया, अब खोल लेते हैं और खोल के एक चीज़ दिखा देते हैं आप लोगों को। इसमें देखिए जो वाशर रहता है, एक वाशर रहता है, देखिए इस वाशर को जैसे खोलेंगे वैसे ही रखना चाहिए, वाशर अगर उल्टा हो जाता है तो इंजन ऑयल लीक कर सकता है। तो चलिए अब इंजन ऑयल निकाल लेते हैं, ऐसा एक ट्रे चाहिए, ट्रे पर दे के इंजन ऑयल पूरा इंजन ऑयल को खाली कर लेंगे, जनरेटर को सीधा करके इंजन ऑयल जितना है पूरा निकाल लेना होगा। और ये जो फिलर गेज है ऊपर ये भी खोल लेते हैं, ये फिलर गेज, और नीचे जो हमने ट्रे दिया है फाइबर का, वो ट्रे टीन का या लोहे का पात का होने से अच्छा होता, काम करने में अच्छा होता। तो चलिए अभी इसी से काम चला लेंगे। तो आपको पूरा जनरेटर को सीधा कर लेना होगा, सीधा करके जितना इसमें जनरेटर में इंजन ऑयल है पूरा निकल लेना होगा, नहीं तो अगर जनरेटर में इंजन ऑयल रह जाता है तो नया से पुराना फिर मिस हो जाएगा, तो नया वाला भी ख़राब हो जाएगा। तो देखिए हमने इंजन ऑयल निकाल लिए हैं और इंजन ऑयल आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए इंजन ऑयल आपका कब चेंज करना चाहिए, अगर आपका नया इंजन है तो 20 आवर्स से 25 आवर्स के अंदर ज़रूर इंजन ऑयल चेंज कर लेना चाहिए। क्यों चेंज करना चाहिए, आसान भाषा में आप लोगों को बता देता हूँ। इंजन के अंदर जो स्पेयर्स रहता है वो न्यू इंजन पर घर्षण होता है, घर्षण होने के लिए लोहे का डस्ट पार्टिकल निकलता है, पिनियन घूमता है तो उसमें सेटिंग होता है, तो उसमें लोहे का डस्ट पार्टिकल निकलता है, इंजन ऑयल पर आके गिरता है, तो वो रह जाता है तो इंजन डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए एक दो बार जल्दी जल्दी इंजन ऑयल चेंज कर लेना चाहिए। ऐसा करते हैं तो आपका जनरेटर बहुत दिन तक चलेगा, इंजन भी अच्छा रहेगा। आप दिखा देते हैं इंजन ऑयल का बोल्ट लगा के, पूरा इंजन ऑयल निकल लिया है हमने, अब ये बोल्ट लगा के इंजन ऑयल डाल के आप लोगों को दिखाते हैं कितना इंजन ऑयल डालना चाहिए। दिखा देते हैं, देखिए ये जो बोल्ट है ये बोल्ट सही से लगाना होगा, इसका जो वाशर है वाशर को सीधा करके लगाना होगा, सीधा मतलब वाशर जैसे लगा हुआ था वैसा ही करके लगाना होगा। अगर वाशर उल्टा करके लगा देते हैं तो इंजन ऑयल लीक कर सकता है, थोड़ा थोड़ा सा लीक करेगा। तो चलिए अब इंजन ऑयल डालते हैं और डालते डालते आप लोगों को बताते हैं इंजन ऑयल के बारे में डिटेल्स बताते हैं, क्या कैपेसिटी है, कितना ग्रेड इंजन ऑयल देना चाहिए, कब इंजन ऑयल चेंज करना चाहिए। तो सबसे पहले बताते हैं कैपेसिटी, इसमें इंजन ऑयल कितना लगता है। तो देखिए इसमें 360 ml इंजन ऑयल लगता है, 360 ml इसका कैपेसिटी है। अगर आपके पास मापने का जगह नहीं होता है तो लेबल पर दीजिए, लेबल कैसे चेक करता है इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। और इंजन ऑयल का ग्रेड होगा 10W30 और API ग्रेड होगा SE। और इंजन ऑयल कौन सा कंपनी देना चाहिए, तो देखिए कोई भी अच्छा कंपनी इंजन ऑयल आप लोग दे सकते हैं, और मेरा सुझाव आप लोग सुनते हैं तो कैस्ट्रॉल एक्टिव देने के लिए हम कहेंगे, कैस्ट्रॉल एक्टिव 10W30 ग्रेड का इंजन ऑयल आप लोग दे सकते हैं,
वो ऑनलाइन पर भी मिल जाएगा। अगर कैस्ट्रोल एक्टिव 10W30 आप लोगों को इंजन ऑयल चाहिए तो मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग अमेजोन से ले सकते हैं। 900 ml का मिलेगा, दो बार इंजन ऑयल चेंज कर सकते हैं और कुछ बचेगा। तो देखिए आप दिखा देते हैं लेवल कैसे चेक करना है। तो देखिए लेवल जैसे चेक करना है इंजन ऑयल दे के आप लोगों को थ्रेड पर देख लेना होगा, इंजन ऑयल आना चाहिए। देखिए यही है सटीक लेवल, थ्रेड पर इंजन ऑयल आ रहा है, मतलब ये इंजन ऑयल हो गया है एक्यूरेट। देखिए थ्रेड पर आएगा, अगर इंजन ऑयल गिरता है तो ज़्यादा हो गया है, अगर थ्रेड पर दिखाई नहीं दे रहा है तो कम हो गया है। ऐसे आप लोगों को इंजन ऑयल चेक कर लेना है, मुंह पर आएगा थ्रेड पर आएगा मतलब इसका सटीक लेवल हो गया है और इंजन ऑयल नहीं डालना है। ऐसे करके आप लोग लेवल पर दे सकते हैं अगर आपका इंजन ऑयल मापने का जगह नहीं होता है तो हम बताएंगे मापने से भी अच्छा होता है लेवल पर देने से। अब बताते हैं इंजन ऑयल कब चेंज करना चाहिए। तो देखिए 50 से 70 घंटा के अंदर अंदर इंजन ऑयल आप चेंज कर दीजिए तो इंजन अच्छा रहेगा, जनरेटर आपका अच्छा रहेगा। फिर एक बार क्लियर करके बता देते हैं, मान लीजिए इंजन ऑयल डाले हैं, 50 घंटा चल गया है, उसके बाद 70 घंटा पार होना नहीं चाहिए, उसके अंदर इंजन ऑयल चेंज कर देना चाहिए तो आपका जनरेटर अच्छा रहेगा, इंजन अच्छा रहेगा। आप दिखा देते हैं इसका एयर फिल्टर कहाँ रहता है। तो देखिए यहाँ पर एयर फिल्टर रहता है, ये भी बीच बीच में क्लीन करना चाहिए। ये एयर फिल्टर खोलने के लिए दोनों लॉक ऐसे करके टानना होगा तो ये एयर फिल्टर बॉक्स निकल जाएगा। उसके बाद ये एयर फिल्टर है, स्पंज का है ये, ठीक है, ये स्पेशल एक स्पंज का होता है। तो देखिए इसको वॉश कर लेना होगा, पेट्रोल दे के या केरोसिन दे के आप लोग वॉश कर सकते हैं। और ये फिल्टर आप लोग 50 से 60 घंटा के अंदर अंदर क्लीन कर सकते हैं, ये क्लीन करने से इंजन अच्छा रहेगा, स्मूथ चलेगा और अप डाउन भी नहीं करेगा। तो चलिए हम ये फिल्टर लगा लेते हैं, वॉश कर लिए हैं। और इस जनरेटर के बारे में रिव्यू देखना चाहते हैं तो ये वीडियो जाके देख सकते हैं और ये सब वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए फिल्टर लगा लेते हैं और आप लोगों को जनरेटर स्टार्ट करके दिखाते हैं। और ये EP1000 स्टार्ट करना दिखा देते हैं। तो देखिए ये फ्यूल देख लेना होगा, ऑन पर रखना होगा ये फ्यूल और इस स्विच को ऑन करना होगा, स्विच ऑन करके चोक करना होगा, ये वाला जो चोक है चोक करके स्टार्ट करना होगा। तो देखिए स्टार्ट हो गया है, चोक बंद कर दिए, आप लोग साउंड सुन सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग हुंडा जनरेटर EP1000 मॉडल का इंजन ऑयल चेंज कर सकते हैं, एयर फिल्टर क्लीन कर सकते हैं। और इसी तरह नया नया जनरेटर का वीडियो देखना चाहते हैं तो टेक्निकल हेल्प MK चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा क्या, हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा। और बगल में बेल का आइकन ऑल नोटिफिकेशन करके रखिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरा वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।